दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम इस तरीके से एक जूम ऐप के माध्यम से मैं इस तरीके की आज महावीर जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया कि मैं आप जैसी दिव्य आत्माओं से, आप जैसे महान लेजेंडों से बात कर सकूं। और ये कहना कि उनका विशेष कृपा अनकंडीशनल लव है जो आज उन्होंने मुझे स्लाइड बनाया। आज उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, जो टॉपिक दिया है, वो दिया है पावर ऑफ मेंटरशिप। आज जो मैंने अपने जीवन में इस 11 साल के करियर में जो मैंने सीखा है अपनी ग्रेट मेंटरशिप के द्वारा, वो मैं आप सबसे पूरे दिल से शेयर करने वाला हूं। और एक एक करके महागुरु जी ने आज मुझे समय की लिमिट भी दिया है कि 40 मिनट के अंदर मुझे अपनी सारी बातें, 11 साल का जो कैरियर है एज ए मेंटरशिप में रहकर मैंने किस तरीके से यहां पर अपने आप को ग्रो किया, वो एक एक करके सारी बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद कि आपने मुझे सुनने के लिए अपना बेस्ट कीमती समय निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगेन, दिल से शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी ग्रेट मेंटर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात करने वाला हूं कि आज जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो दुनिया की महान कंपनी है और लाखों लोग इस कंपनी में आके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, सक्सेसफुल सिस्टम में, वो भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। लाखों ऐसे लोग जो आम लोग हैं, जो आम जीवन जीते हैं, वो इस सिस्टम में आके अपनी जिंदगी को एज ए रोल मॉडल लाइफ बना लेते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज दुनिया की एक ऐसी टीम में हम लोग सारे लोग काम करते हैं जिसका नाम रॉयल ड्रीमर टीम है। आप जहां पर भी बैठे हों, मैं चाहता हूं दुनिया की नंबर वन पवित्र, प्योर और एथिकल, और दुनिया में जो लोगों को लेजेंड बनाने का काम करती है वो टीम रॉयल ड्रीमर टीम है। मैं चाहूंगा उसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जहां पर भी बैठे हैं आप तालियां बजा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। पावर ऑफ मेंटरशिप का मतलब होता है, जो मैंने सीखा है अपने ग्रेट मेंटर से, एक्टिव अपलाइन। जो हमारे एक्टिव अपलाइन होते हैं, जो सफल अपलाइन होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटरशिप में होते हैं। मेंटरशिप में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो मैंने कुछ सीखा है, मैंने पहले ही बोला कि मैंने अपनी मेंटरशिप से सीखा है। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी माधव सर ने कुछ अभी MP3 लॉन्च किए हैं हम सब के लिए। तो अगर आप और ज्यादा इन चीजों के बारे में सीखना चाहते हो या अपनी टीम को सिखाना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि ये एक DVD है जो माइंड प्रोग्रामिंग सीरीज है, MP3 द पावर ऑफ मेंटरशिप, आप इसको सुनिए। और इसके साथ साथ एक और है जिसका नाम है साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये दोनों DVD मैंने पिछले कई दिनों में लगभग 3 से 4 बार सुनी है एक एक करके, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, पिछले 11 सालों से सीख रहा हूं। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि बाकी अगर आप भी मेंटरशिप का आप वैल्यू जानना चाहते हो, उसका महत्व जानना चाहते हो, तो मैं तो आज आपसे बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप ये इन दोनों DVD को जरूर सुने और आगे भी आप इसको प्रमोट करें अपनी टीम में, जो एक अच्छा मेंटरशिप का प्रभाव पड़े आपकी टीम और एक अच्छा डुप्लीकेशन हो पाए। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे मेंटर्स हैं, मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा अपनी भावनाएं, और 11 साल का जो कैरियर है वो उनके चरणों में डेडिकेट करना चाहता हूं, और उनके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो जो है वो बनाया है, तो कहीं ना कहीं आप सुन पाएंगे उसको। तो थैंक यू। गुरु क्या है? गुरु एक तीज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राण से बहती है। गुरु वो सत्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही मन और शरीर आनंद अनुभव करता है। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई भी कभी प्यासा नहीं रहता। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ
कुछ सत शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है और कुछ पाकर भी समझ नहीं पाते। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं जो भी कुछ हूं, अपनी पूरी सफलता का श्रेय, मेरे जीवन की एक एक खुशी का श्रेय मैं अपने गुरुओं के चरणों में अर्पित करता हूं और इस महान मेंटरशिप को समर्पित करता हूं, समर्पण करता हूं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो हमारे ग्रेट मेंटर, जो आज रोल मॉडल है मिलियंस ऑफ लीडर्स के, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, हम सबके ग्रेट मेंटर मारू नरसिंह वाली, जब मैं इनको देखा तो बहुत इंस्पायर हुआ और इनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं जब हमारे ग्रेट मेंटर है मागुरी, माधव मागुरी जी, जब मैंने इनकी डायमेंशन देखी 25 दिसंबर 2009 को, तो अपने मैंने अपने जीवन में, मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था वो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बिजनेस में डायमंड बनना है और मैं अपनी और अपने डायमंड सर के बीच में किसी चीज को आने नहीं दूंगा। और जब उस सूर सदन के हॉल से जब मैं बाहर निकला तो मैं वहां से कमिटमेंट लेके निकला था। कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया था, पड़ोसियों से नहीं किया था। वो मुझे याद था कि मैंने क्या कमिटमेंट किया और वो आज तक मुझे याद है। मुझे अपनी जुबान की वैल्यू पता है और कहीं ना कहीं ये मेंटर ने मुझे सिखाया है कि हमेशा लेते हो उस पर टिके रहो, डटे रहो। और ये कहीं ना कहीं हमने ग्रेट मेंटर मागुरी माधव सर से सीखा है, जो बोल दिया वो बोल दिया। तो वो कहीं ना कहीं 25 दिसंबर 2009 का दिन मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था और वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है इस बिजनेस में एक सही तरीके से। और दोस्तों आज कहीं ना कहीं मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ये हमारे मेंटर है, कोच है और मैं बहुत कुछ अपने अंदर इन्हीं के माध्यम से मैं डेवलप करता हूँ। हमारे ग्रेट मेंटर है महागुरु जी, बैजपाल महागुरु जी, वो आप जानते हैं। बहुत कुछ हमने इनसे सीखा, सीख रहे लगातार और जीवन भर इनसे सीखेंगे। बहुत ही एक शालीन हृदय से भरे हुए इंसान है और बहुत कुछ हम इनसे सीखते हैं लगातार। इन्होंने भी हमें सिखाया, पढ़ाया और बताया कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। अंडर मेंटरशिप में काम किया। दोस्तों मेरे जीवन पर जो खास प्रभाव पड़ा, जो जिन्होंने मुझे इस में ए बी सी एक्स वाई जेड हर चीज, एटीट्यूड, एट स्टेप, कोर ट्रेनिंग, हम्बलनेस, जो भी कुछ आज कहीं ना कहीं मेरी सफलता का 99% से कहीं ना कहीं आज हमारे ग्रेट मेंटर जो आज आपके सामने है मागुरी जसवीर मागुरी जी, इनसे मैंने सीखा है। लगातार इनसे मैं सीखता हूँ। ये मेरे मेंटर होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने मेरी केयर बिल्कुल वैसे ही की है, हमेशा की है। चाहे वो मेरे मन में हो या ना हो, लेकिन इन्होंने हमेशा ही मेरी बहुत अच्छे से केयर की है। और पता नहीं मेरा संकल्प था कि नहीं था डायमंड बनने का, पर मुझे ऐसा पता है कि कहीं ना कहीं इनका संकल्प जरूर था मुझे डायमंड बनाने का, इनका संकल्प जरूर था मुझे बिजनेस बनाने का, क्राउन बनाने का, क्राउन एम्बेसडर, जो भी आज कहीं ना कहीं। और इनके संकल्प ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं इनका ऋणी हूं, मेरा परिवार इनका ऋणी है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो शायद इनका कर्ज कभी नहीं छुपा पाएंगी। और कहीं ना कहीं ये ग्रेट मेंटरशिप का कमाल है जो कहीं ना कहीं मैं यहां तक पहुंचा। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा। सिर्फ हमारे जीवन में अपलाइनी मेंटरशिप तो होते ही होते हैं, उनसे तो हम सीखते ही सीखते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक सिस्टम भी है, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो है हमारा, उससे भी हमारी मेंटरशिप हुई, बहुत सारी मेंटरशिप हुई और बहुत सारी एक्टिविटियों को अटेंड कर करके जो पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत है वो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम है, सक्सेसफुल सिस्टम। इसमें भी मेरी बहुत मेंटरशिप कही है और आज ये सिस्टम लाखों लोगों को आज मेंटरशिप देता है। बहुत ही गजब का सिस्टम है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम आपको एक रिकमेंडेड बुक के माध्यम से, रिकमेंडेड टूल्स के माध्यम से, रिकमेंडेड सीडी और डीवीडी और MP3 के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको मेंटरशिप देता है, कहीं ना कहीं आपको सिखाता है, आपको पढ़ाता है बहुत ही आसान शब्दों में। तो बहुत ही गजब का ये सिस्टम है, सक्सेसफुल सिस्टम। और मेरे को कोई पूछे तो दुनिया का सबसे पावरफुल
एजुकेशन सिस्टम है जहां पे एक आम आदमी आके जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो सिस्टम में आके यहाँ लेजेंड बन जाता है, सुपरस्टार बन जाता है और लाखों लोगों के दिलों पर राज करता है। जिसकी कोई आत्मछवि नहीं होती है वो यहाँ पर शेर की तरह दौड़ता है। जिसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है वो ऑडी मर्सिडीज में घूमता है। जिसको 1,000 रुपए की कमाने की जिसकी सोच नहीं है वो यहाँ पर लाखों करोड़ों में खेलता है। तो मैं चाहते सिस्टम के लिए भी आप जहां भी बैठे हो, मैं चाहूंगा मेंटरशिप के लिए सिस्टम के लिए भी 2 बार तालियां हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच सक्सेसफुल सिस्टम। सिस्टम से तो हमने बहुत कुछ सीखा ही सीखा है और सारे लोग सीखते हैं, सीखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं मेंटरशिप अपलाइन के साथ साथ तो होती होती है, सिस्टम भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर लाइन भी जो है वो आपकी मेंटरशिप करती है। कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं मैं खुद का मेरा ऐसा फील है, फीलिंग है कि कहीं ना कहीं कोर लाइन भी अगर इस बिजनेस में आप थोड़ा अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके कोर लाइन जो है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटरशिप देती है। ब्रदर लाइन भी उनको बोलते हैं, भाइयों की तरह प्यार करते हैं उनको। हम देखेंगे तो कोर लाइन में हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मिस्टर परशुराम जी, बहुत शानदार इनका जो लीडरशिप है, बहुत ही गजब के इंसान है, बहुत ही डिवाइन सोल है ये पृथ्वी पे। लाखों लोग इनसे प्रेरित होते हैं, लाखों लोगों के रोल मॉडल है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ इनसे भी सीखने का मौका मिला। हमारे ग्रेट बड़े भाई जिनको हमेशा बोलते हैं बहुत गजब के, बहुत ही हम्बल, बहुत ही जुझारू और एक आवाज में जो गमक है, कहीं ना कहीं जब इस बिजनेस में आया तो मैंने कहीं ना कहीं इनको देखा, इनसे मैं कहीं ना कहीं मैंने सारी चीजें समझी और कहीं ना कहीं इनको भी इनसे भी हमें को मेंटरशिप कहीं ना कहीं मिली। हमारे ग्रेट और एक महान हमारे बड़े भाई हैं, वो मैं कहूंगा कि जो हमारे शर्मा सर हैं, जब मैं आया तो कहीं ना कहीं हमने इन सब के वीडियो देखा, दिखा के कभी परशुराम जी का वीडियो दिखाया, कभी सतेंद्र सर का वीडियो दिखाया, कभी हमने शर्मा सर का वीडियो दिखाया। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में अगर आप थोड़े जागरूक हैं तो सिर्फ आप ही मेहनत नहीं कर रहे होते हो, आप देखोगे अदृश्य तरीके से को लाइन भी, अगर आप प्योर हैं को लाइन के लिए तो कहीं ना कहीं को लाइन भी आपको बहुत ताकत दे रही होती है। मुझे याद भी याद है कि कहीं ना कहीं को लाइन आपको बहुत जबरदस्त एक लेवल के बाद मोटिवेट करती है, बहुत बड़ा टूल्स है वो आपके लिए, आपकी टीम के लिए। मुझे याद भी याद है जब मैं जोधपुर में बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे ग्रेट मेंटर मावरी जसवीर मावरू जी जो है वो हमको खुद नहीं बताते कि तुम ये करो, वो हमको रूम में बिठाल के और हमको दूसरी टीमों की डीवीडी देते थे, दूसरे लीडरों की डीवीडी देते थे। तो जो को लाइन है वो आपको बहुत गजब की मेंटरशिप देती है। अगर आप को लाइन के साथ एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो आपके अंदर जलन वाली भावना नहीं होनी चाहिए, ये हमने अपने मेंटरशिप से सीखी है। आपको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर सीखना चाहें तो काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वाम निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एज ए स्टूडेंट बनके हमने इस बिजनेस में अपनी कोलाइन से भी बहुत सीखा, अपनी मेंटरशिप से भी बहुत सीखा, सिस्टम से भी बहुत सीखा। और कहीं ना कहीं अगर कोई आदमी सीखने पर आ जाए तो कहीं ना कहीं वो अपनी डाउनलाइन से भी सीखता है। मैंने इस बिजनेस में जब आया तो हमारे ग्रेट लेजेंड जिनके जो बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी है, लाखों लोगों के रोल मॉडल हैं, केशवनाथ शंकर जी, कभी ना कभी हमारे लिए वो भी प्रेरणा का कारण बने। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो आपको ताकत देते हैं, जब आप मुंह के बल गिरते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। तो ऐसे दो लीडर जो शायद भगवान ने मेरी डाउनलाइन में वो आए, लेकिन मैं इनको कभी अपना डाउनलाइन नहीं मानता हूं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, ये मेरी ताकत है, मेरे मजबूत कंधे हैं। और कहीं ना कहीं इनसे भी मैंने इस बिजनेस में आके कहीं ना कहीं इन्होंने भी कभी ना कभी तो मेरी किसी ना किसी तरीके से मेरी मेंटरशिप की है और मैंने इनसे भी सीखा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में वो आदमी, मैंने ये मेंटरशिप से सीखा, कभी वो आदमी फेल नहीं हो सकता है, कभी वो आदमी डिमोटिवेट नहीं हो सकता है जो लगातार सीखता है, जो लगातार अपने आप को अपग्रेड करता है, जो लगातार 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 हमारे धर्म में भी विद्वान जो भी वेद है उनमें भी बताया गया है कि कौए से कुत्ते से आप सीखने पे अगर आ जाओ तो हम्बलनेस के साथ, एक ग्रेटफुल के साथ अगर आप सीखने पे आ जाते हो, एक एक भी चीज अगर किसी से सीखते हो तो आप देखते हो कि 24 कैरेट जो सोना है उसकी तरह चमकते हुए चले जाते हो। और ये कहीं ना कहीं हमने अपनी अप्लायंस डुप्लीकेट किया। मैं उनको हमेशा से देखता हूं
कि वो हमेशा सीखते रहते हैं और हमेशा के, लेकिन और कहीं ना कहीं सारी जो चीजें हैं मेरे जीवन में कहीं ना कहीं आई और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ आपके ही सवाल है, कहीं ना कहीं आज महागुरु जी ने बहुत जिम्मेदारी दी है मेरे को, तो पूरी जिम्मेदारी में निभाऊंगा। ये सवाल आप अपने आप से आज करिए, क्या आपको 100% सफलता की गारंटी चाहिए? क्या आपको आर्थिक रूप से आजाद होना है? क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक महान विरासत देना चाहते हैं? क्या आप लीडर से लेजेंड बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को सही से निभाना चाहते हैं? क्या आप अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं? क्या आप जीते जीते स्वर्ग देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आज आपको एक निर्णय लेना ही पड़ेगा, पूरे दिल से लेना पड़ेगा। अपनी पूरी जो 72,000 नाड़ियां हैं उन सबसे आपको लेना पड़ेगा। आपको अपने शरीर के एक एक कण से आज आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, जो आज से 11 साल मैंने पहले लिया था, कि आपको एक सफल मेंटर चुनना ही पड़ेगा। अगर आप सफल मेंटर नहीं चुनेंगे तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में एक बहुत लंबी दूरी आपको तय करनी है सालों साल की, कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। ये मैंने अपने अपनों से सीखा, ये हमने अपने मेंटर से सीखा। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है मेरी मेंटरशिप, और मेंटरशिप में अगर कोई लीडर आ जाता है तो वो बहुत बड़ा काम करेगा, इस बात की 1000% गारंटी है। वो चाहे कैसा भी हो, वो चाहे गोरा हो, काला हो, छोटा हो, कम पढ़ा ना पढ़ा लिखा, उसको हिंदी आती है नहीं आती है, अंग्रेजी आती है नहीं आती है, उसको सही से बोलना आता है नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो एक मेंटरशिप के तले काम के, एक मेंटरशिप को चुन के काम करता है तो 100% इस बिजनेस में सेफ शॉप के अंदर उसकी 1000% गारंटी है कि वो डायमंड भी बनेगा और एक दिन आएगा कि वो क्राउन एम्बेसडर भी बनेगा। मेंटर किसे कहते हैं? मेंटर यानी जैसे हम जो परामर्शदाता होता है, यानी कि जो हमारा मार्गदर्शक होता है, वो है जो सेफ सफल हो या सफलता के रास्ते पर आपसे आगे चल रहा हो, वह अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने से कम अनुभवी व्यक्ति के साथ बांटकर उसका मार्गदर्शन करता है, उसे मेंटर कहते हैं। मेंटर ऐसा नहीं कि हम क्रिकेट के मेंटर को चुनेंगे या हम फुटबॉल के मेंटर को चुनेंगे, क्यों हमें फुटबॉल में सुपरस्टार नहीं बनना है, हमें क्रिकेट में सुपरस्टार नहीं बनना है, हमको अमिताभ बच्चन को मेंटर नहीं चुनना है क्योंकि हमें बॉलीवुड में बॉलीवुड में सुपरस्टार नहीं बनना है, हमको तो सेफ शो में सुपरस्टार बनना है, सेफ शो में लेजेंड बनना है। तो कहीं ना कहीं हमको सेफ शो के मेंटर चुनने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे मेंटर हैं जिनसे आप बहुत सीख सकते हो, जो आपसे आगे चल रहे हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में काम करके बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव लिए हुए हैं। और ऐसा बोला जाता है जब आप मेंटरशिप में काम करते हो तो आपका पैसा, आपका समय और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद होने से बच जाती है। और ये कहीं ना कहीं आज मैं अपने ऊपर भी देखता हूं कि आज मुझे 11 साल हुए हैं, इन 11 सालों में आज कहीं ना कहीं अंडर मेंटरशिप रहते हुए आज बहुत बड़ी कामयाबी है सेफ शॉप के माध्यम से। डेफिनेशन है मेंटरशिप, एवरी ग्रेट अचीवर इंस्पायर्ड बाय ए ग्रेट मेंटर। कहीं ना कहीं जितने भी बड़े से बड़े अचीवर हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रेट मेंटर से मतलब इंस्पायर हुए। मैंने महागुरु जी को देखा था, मैंने उससे पहले डायमंड सिर्फ वीडियो में देखते थे, लेकिन उससे इंस्पायर हुआ कि जब इतना पढ़ा लिखा आदमी और जब इस तरीके से क्या सम्मान है। मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, मेरी तो 10+2 है, लेकिन एक आदमी जो टीचर है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसने कई कोर्स किए हैं, जो हाई एजुकेटेड है, जिसने बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं, जब वो आदमी आके इस बिजनेस को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो सिर्फ 10+2 हूं, मुझे तो और ज्यादा दिल लगा के करना चाहिए, मुझे तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। Those who understand your struggle and happiness is no match as a mentor. कहीं ना कहीं जो आपके स्ट्रगल को समझे, जो आपके हैप्पीनेस को समझे, वो कहीं ना कहीं आपका मेंटर है। ए मेंटर अप्रिशिएट यू एज वेल एज क्रिटिसाइज यू। एक मेंटर वो होता है जो आपको समय समय पर आपको अप्रिशिएट भी करता है और जरूरत पड़ने पर वो आपकी क्रिटिसाइज भी करता है। ये क्वालिटी मैंने माहौरी जसवीर माहौरी जी के अंदर देखी है। इन 11 सालों में मुझे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन जरूरत बनने पर उन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज आदमी को निखारती है, क्रिटिसाइज आदमी को कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है, कहीं ना कहीं उसको खुद के अंदर झांकने का एक मौका देती है। और कहीं ना कहीं ये काम हमारे ग्रेट मेंटर माहौरी जसवी सर ने बहुत अच्छे से किया मेरे साथ। ए मेंटर ऑलवेज इंप्रूव, जो आपको इंप्रूव करता है, जो आपको ट्रेन करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको इंस्पायर करता है,
जो आपको काम करने के तरीके सिखाता है, जो आपकी पूरी जिंदगी में आपको स्टार बनाने की जो बात करता है, वो आपका ग्रेट मेंटर होता है। मेंटर्स ऑलवेज वांट यू सी ऑन द टॉप एज ए लेजेंड। हमेशा ये सच्चाई ध्यान रखना कि अपलायंस चाहे कैसा भी हो, वो आपको हमेशा ही एज ए लेजेंड, एज ए टॉप पे देखना चाहता है। ये उसकी दिली इच्छा होती है, ये वो अपने रोम रोम से ये बात चाहता है। हो सकता है आपसे बोलता ना हो सकता है उसको ज्यादा बातें ना आती हो, लेकिन अगर आप उसका दिल फाड़ के देखोगे तो वो आपको हमेशा एज ए लेजेंड टॉप पे देखना चाहता है। और ये कहीं मैंने अपने मेंटर्स के अंदर देखा है कि उन्होंने हमेशा चाहा है मुझे टॉप पे देखना, और आज कहीं ना कहीं जो उन्होंने चाहा उनकी ब्लेसिंग से आज मैं उस लेवल पे हूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहीं ना कहीं हमारे धर्म, हमारे वेद, हर धर्म में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। आप चाहे किसी भी फील्ड के आप आज लेजेंड को निकालें, चाहे कोई भी हो, चाहे आप अगर जाएंगे तो हनुमान जी के गुरु भी, हनुमान जी भी अंडर मेंटरशिप में एक बहुत बड़े मतलब देखेंगे अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। आज कहीं ना कहीं अंडर मेंटरशिप में कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा किसी गुरु से। आज आप देखोगे जो अर्जुना जो है, जिसके ऊपर गीता लिखी हुई है, जिनके ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं अंडर मेंटरशिप में उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। कहीं ना कहीं देखेंगे तो आज एक बहुत बड़े जो आज क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं, आज कहीं ना कहीं वो करोड़ों अरबों में खरीदे जाते हैं। आज वो भी कहीं ना कहीं अंडर मेंटरशिप में उन्होंने सीखा है और वो हम्बल है अपने मेंटर्स के प्रति। कहीं ना कहीं आज देखेंगे उसेन बोल्ट, जो कहीं ना कहीं जो तूफान का सहिंसा है, जो कहते हैं तूफान की तरह जो दौड़ता है अपने जीवन में, वो भी कहीं ना कहीं अपने मेंटर से प्रेरित हुआ, उनसे सीखा। तो आज जितने भी लेजेंड है, ये कॉमन है, हर लेजेंड में एक कॉमन चीज मिलेगी, वो मिलेगी आपको अंडर मेंटर से। चाहे आप किसी को भी उठा लें, किसी भी देवता को, किसी भी जो आपके मन में आए आज कि वो हीरो है, तो अगर आप देखेंगे उसकी बैकबोन अगर देखेंगे तो कोई ना कोई मेंटरशिप रही है, और मेंटरशिप अंडर मेंटरशिप में है वो कहीं ना कहीं बंदा। तो आज हम सारे लोग इस रॉयल ड्रीमर टीम के प्लेटफॉर्म से आज कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं आज उसको निभा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये मौका भी जो मुझे मिला है, वो मुझे अपनी दम पे नहीं मिला है। मुझे ये जो मौका मिला आज आपसे बात करने का, ये चांस हो सकता है आपके अंदर टैलेंट हो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी जो आपको देते हैं वो आपके ग्रेट मेंटर देते हैं। और आज उदाहरण के तौर पे आप आज देख पा रहे हैं कि आज हमारे ग्रेट मेंटर से मुझे भी एक महान अपॉर्चुनिटी दी कि आज जूम मीटिंग के माध्यम से मैं सिर्फ 500 लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज 130 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं। ये आज मुझे सौभाग्य मिला। आज आप देखेंगे मेंटरशिप के बारे में बात करूं तो सचिन, और आप देखेंगे जो ये जो मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा है, जो भी आप समझ रहे होंगे, कामली, सॉरी। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक ही अंडर मेंटरशिप में थे, लेकिन एक आदमी जिसने अंडर मेंटरशिप काम किया, ताकत को समझा, इसने अपनी मेंटरशिप को महत्व नहीं दिया, और कहीं ना कहीं बहुत काबिल होते हुए भी आज उसका, मैं भी मतलब आपसे यही है सारे लोगों से कि आपके सामने है पूरा इतिहास। आज आपको ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत मेंटरशिप जो है वो आपके जीवन में 99% आपकी सफलता में महत्व रखती है, और 1% आपकी टैलेंट और आपकी मेहनत काम आती है। कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, सीखा है कि गुरु कोई शब्द या जाति नहीं है, गुरु एक अदृश्य शक्ति है जिसका जन्म आपके जीवन में उस समय होता है जब आपके मन में पवित्रता और आस्था का जन्म होता है। जा गुरु है वहां इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नतमस्तिक है। उस किताब में मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर आप पेड़ को भी अगर गुरु मान लेते हो और उसको भी अगर उसके सामने भी जाके आप प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड की जो भी आपको चीजें चाहिए वो पेड़ इतना काबिल है, जो चल नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको इतनी एनर्जी देगा, इतना ज्यादा आपको ब्लेस करेगा कि आप अपने जीवन में जो चाहें वो आप इस बिजनेस में नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। तो गुरु जो है वो भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में। जीवन का एक एक कड़ा आभारी है, हमको भी अंडर मेंटर समय काम करने का मौका मिला। ये जो तीन महान हस्तियां, ये तीन महान दिव्य आत्माएं मेरे जीवन में, इनका जो स्थान है, बिल्कुल इनका ये स्थान है मेरे जीवन में। तो मैं हमेशा से ही, बल्कि अगले जन्म में भी अगर भगवान मुझे जन्म दे
और कहीं ना कहीं अगले जन्म में मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे, तो मैं दो चीजें जरूर मांगूंगा, एक तो सेफ सॉफ कंपनी और ये तीन दिव्य आत्माएं जो अगले जन्म में नहीं बल्कि सातों जन्म में मैं इनकी मेंटर से मैं रहना चाहूंगा। इनके साथ हमेशा से ही मुझे खुशी होती है जब मैं इनके एक अगर 5 मिनट भी मैं इनके साथ रह लेता हूं तो मेरी मेहनत मेरी थकान सब दूर हो जाता है। आज ये मेरी ग्रोथ है, आज कहीं ना कहीं आज ये मेरे लिए बहुत ही दिव्य एनर्जी का काम करते हैं, तो इनको बारों बार कोटि कोटि पद्मा पद्म बार इन दिव्य आत्माओं को जो आज हमारे तीनों सामने हैं मैं इनको बार बार नमन करता हूं। मैं बोलता हूं कि मेंटर जो है वो हमेशा जड़ में रहता है, कहीं ना कहीं सेफ शॉप जो है ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपके भ्रम नहीं होना चाहिए कि सेफ शॉप में जब काम करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि आज अच्छा हो रहा है तो कल खराब नहीं होगा, और इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि आज अगर खराब है तो कभी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से जिंदगी में अपडाउन आते हैं इस ये सच्चाई है, जो लोग भ्रम में पड़ गए वो कहीं ना कहीं एक झटका लगा खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इस बिजनेस की सच्चाई को समझा जाना और कहीं ना कहीं ये चीजें उन्होंने समझी कि हमारे बिजनेस में भी बिजनेस जो है अप डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस मेरी नजर में कैसे चलता है, जब आप आते हो तो कहीं ना कहीं मेंटर आपके जड़ में होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जड़ में पानी लगाएं, जड़ का सम्मान करें, जड़ को वैल्यू दें। जब आप जड़ को वैल्यू देते हो तो टीम जो कहीं ना कहीं आप बीच में होते हैं, तो मैंने हमेशा अपने मेंटर से सीखा कि आपको ताकत बनना है अपने मेंटर्स की और अपनी टीम की, कमजोरी मत बढ़िए ना अपने मेंटर्स के लिए ना अपनी टीम के लिए। जब आप आते हो तो मेंटर जो होते हैं वो जड़ में होते हैं, ये मैंने सीखा, और जब आप उनके साथ काम करते हो तो आपकी दोनों लेगें एकदम हरी भरी हो जाती हैं, दमदार तरीके से फाड़ू और दोनों लेगें आपकी दमदार हो जाती हैं। लेकिन ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए, एक बिजनेस का नेचर है कि कभी कभी जब आप काम करोगे तो कुछ लेवल पे कुछ समय में क्या होता है कि आपकी एक लेग थोड़ी छोटी हो जाती है या वो कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अगर आप मेंटरशिप के साथ रहे, अगर आप भटके ही नहीं, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल मेरा जीवन है मैं जो आज आपसे शेयर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि ये सबके साथ होता है, जितने भी टॉप पे लेजेंड हैं आज हमारे, जितने भी अगर उनको सुना है पढ़ा है तो ये सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप मेंटरशिप में रहे, अगर अंडर मेंटरशिप में रहे, तो एक दिन आएगा कि आपकी फिर से जो दोनों लेगे हैं जो पूरी टीम है वो फिर से हरी भरी हो जाती है, आपका जीवन खुशहाल बन जाता है, फिर से आप लेजेंड हो जाते हैं, फिर से आपकी आत्म छवि दमदार हो जाती है। कहीं ना कहीं मैंने एक प्रैक्टिकल और सीखा है कि अंडर मेंटरशिप हमेशा जड़ में रहती है, इसलिए जड़ों पे ध्यान दें, जितना ज्यादा जड़ों पे ध्यान देंगे आप उतना ज्यादा वो जड़ के ऊपर वाले जो टहनियां हैं जो वृक्ष है वो हरा भरा रहता है। तो मैंने एक चीज और सीखी है, जब आप मुंह के बल गिरते हो, गिरोगे तो पक्का, ये तो बहुत लंबा रास्ता है, किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, उस समय आपकी सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं थोड़ा छोटी हो जाती है, कहीं ना कहीं जो आत्म छवि है खुद के बारे में आपको गिल्टी फील होता है, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं, खुद के बारे में गिल्टी फील होता है, खुद को लगता है यार अब नहीं उठ पाऊंगा, दुनिया आपकी मजाक उड़ा रही होती है, कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहा होता है, हर आदमी यही देख रहा होता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, माँ बाप भी कोई आपके वो तो मेंटर है नहीं, आपकी वाइफ आपके बच्चे सब लोग कोई आपको यहाँ पर आत्म छवि एक अच्छी आत्म छवि नहीं देता है, आपके दोस्त आपकी खास करके आपकी डाउनलाइन में तो कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि उनको तो कहीं ना कहीं जब अपलाइन थोड़ा सुस्त रहता है, अपलाइन को थोड़ा कहीं ना उनको पता लग जाता है तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है, तो लेकिन एक शख्स है यहाँ पर जो आपकी आत्म छवि को बिल्ड करता है, जो आपको विश्वास दिलाता है, जो आपके अंदर भरोसा पैदा करता है, वो है आपके मेंटर। और कहीं ना कहीं जो मेंटर है ये आपकी आत्म छवि जो है वो जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर, वो आपको बोलते हैं कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये सबके साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, हम तेरे साथ हैं, बहुत बड़ा काम होगा, ये तो एक नेचर है इस बिजनेस का। और कहीं ना कहीं हमारे मेंटर्स कहीं ना कहीं आपकी उस समय दुनिया में जब कोई नहीं होता उस समय कानों में एक आवाज आ रही होती है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम इस बिजनेस में बन सकते हो, तुम कैपिंग पे पहुंच सकते हो, तुम मर्सिडीज ले सकते हो, तुम बने ही इस बिजनेस में लेजेंड बनने के लिए हो, वो एक आवाज है, वो आवाज होती है ग्रेट मेंटर की। और वो ग्रेट मेंटर की आवाज आपके कानों में तभी आई जब आप अंडर मेंटरशिप में होंगे। तो कहीं ना कहीं
ये बात मैंने एक ग्रेट मेंटर का हमारे का वीडियो है वो आप लोगों ने भी सुना होगा, और ये वीडियो एक मिनट का है, मैं सुनाना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने भी सीखा और आपने भी सीखा होगा, लेकिन आज महागुरु ने जिम्मेदारी दी है तो मैं जरूर इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं। थोड़ा इतनी हिम्मत रखता हूं बिल्ड करने के पीछे, इतनी हिम्मत रखता हूं। जब मैं आया था तो कंपनी ने राइट में भी जीरो दिया था, लेफ्ट में भी जीरो दिया था, लेकिन ऊपर जीरो नहीं दिया था, ऊपर मुझे मेरा अपलाइन दिया था। उस अपलाइन के दम पर इधर जीरो और इधर जीरो 12 लाख कंप्यूटर काम दिया। अपलाइन आज भी मेरे साथ है। अगर दोनों में से माधव को अगर एक चुनाव करने का मौका मिले, माधव 12 लाख की टीम को नहीं चुनेगा, माधव अपनी अपलाइन को चुनेगा। अपलाइन के दम पर 12 लाख की टीम बनी है, उसी अपलाइन के दम पर लाखों की नहीं करोड़ों की टीम बनाने की हिम्मत रखता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मेंटर से जो उनके संस्कार हैं वो शायद हम सबके अंदर हैं, और कहीं ना कहीं एक कोटेशन है जो जड़ और पत्तों में से मुझे कुछ एक बनना था, मैं जड़ बना, क्योंकि पत्ते तो पतझड़ तक ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज सब आप सब जितने भी लाइन पे हो वो कहीं ना कहीं आप भी मेंटर हो, तो कहीं ना कहीं आप जड़ हो, कहीं ना कहीं हमने अपने मेंटर से सीखा। अगर जड़ हरी भरी है तो पत्ते दोबारा से आ जाते हैं, जड़ अगर हरी भरी है तो दोबारा से पेड़ खड़ा हो जाता है, जड़ अगर हरी भरी है तो दोबारा से एक बट वृक्ष बन जाता है, एक मजबूत वृक्ष बन जाता है। ये कहीं ना कहीं हमने अपने गुरु से सीखा। वाई मेंटर से, अगर मैंने अपने मेंटरों से सीखा है, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी टीम में स्पाइडरमैन जैसे हीरो चाहते हो, सलमान खान जैसे हीरो चाहते हो, जो बड़े बड़े जो लेजेंड हैं स्पाइडरमैन और भी जितने भी लेजेंड मैन जो भी सुपर लोग हैं, अगर आप चाहते हो आपकी टीम में ये सब पैदा हो तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मेंटरशिप क्यों? आसानी से अगर टीम को बड़ा और मजबूत बनाना है तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। टीम में अगर आपको सफल डुप्लीकेशन करना है तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। टीम में अगर आप चाहते हो कि एकता बनी रहे तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। टीम को समय समय पर एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहे जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। किसी भी गाड़ी को, चाहे गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए, उसका इंजन स्टार्ट करने के लिए टीम में की हड्डी है, आगे बढ़ाने के लिए मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। खुद को सही रास्ते में रखने के लिए, जैसा कि मैंने बोला, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगा कि यार अभी तो मैं बहुत समझदार हो गया हूं, लेकिन मेरे मेंटर आए और उन्होंने प्यार से कान पकड़ा और बताया अभी तुझे बहुत आगे जाना है, अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। तो अगर आप अंदर मेंटरशिप में होंगे तो अगर भटक भी गए तो वो दोबारा आपको कान पकड़ के आपको रास्ते पे ले आते हैं, आपका हाथ पकड़ के जबरदस्ती आपको रास्ते पे ले आते हैं, बसरते आप अंडर मेंटरशिप होना जरूरी है। खुद को 100% भरोसा दिलाने के लिए, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आपको लगता है यार मैं अब काम कर नहीं पाऊंगा, ये काम, ये टारगेट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, लंदन में नहीं जा पाऊंगा, मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, मैं कैपिंग नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आपके मेंटर बार बार आपको भरोसा दिलाते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए श्याम सुंदर दास जी की कहानी इसके लिए काफी है सुनने और समझने के लिए। शायद कितने इस बिजनेस में आए और कितने चले गए, कितने ऊपर चले गए, किसी का नाम नहीं लिया जाता है। हो सकता है किस्मत तो आपने भी अपनी देखी नहीं देखी, कभी भी लव लेटर आ सकता है ऊपर से, किसी के लिए भी आ सकता है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप अंडर मेंटरशिप में हो तो आपका फैमिली 101% आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। आज श्याम सुंदर दास जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे आर्थिक रूप से उनका परिवार बहुत सुरक्षित है। रहना इस दुनिया में, रहना या नहीं रहना, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जीते जी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करना, फाइनेंशियली सिक्योर करना, दोस्तों आज ये हमारे हाथ में है। और अगर इतने सारे फायदे आपको चाहिए जो मुझे चाहिए थे, तो आज का दिन, आज का समय, आज का क्षण
आपको तय करना ही होगा, आपको डिसीजन लेना ही होगा कि आप अंडर मेंटरशिप में चुने एक अंडर में। कहते हैं जिस जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाते हैं, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ के करनी चाहिए। हमेशा मैंने अपने ग्रेट मेंटरों से सीखा है कि सफल अपलाइन की संगत करो, सफल अपलाइन की संगत करो। अगर कहते हैं कि उंगली अगर सड़ जाए तो उंगली को काटते हैं, कोई सुसाइड नहीं करता है। अगर एक आलू सड़ जाए तो आलू को फेंकते हैं, पूरा बोरा नहीं फेंकते हैं। तो जीवन में हमारे भी कई मतलब अपलाइन थे, वो जिसने हमें ज्वाइन कराया वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं सब रो रहा, लेकिन हमारे अपलाइन ने बताया कि संगत जो है एक अच्छे अपलाइन की करो, एक सफल अपलाइन की करो, एक अच्छी मेंटरशिप की करो। संगत, संगत का मतलब होता है हमेशा एक सफल अपलाइन की संगत करो। खरबूजे, खरबूजा जो है वो खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, ये नेचुरल लॉ है। आप बिल्कुल भी ताकत मत लगाओ, आप बिल्कुल भी कोई एनर्जी मत लगाओ, बस आप संगत शुरू कर दीजिए। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य है जो लोगों को दिखता नहीं है, वो सिर्फ मुझे दिखता है, वो है मेरी मेंटरशिप। उसका 99.99% क्रेडिट सिर्फ मैं अगर देना चाहूंगा तो अपनी ग्रेट मेंटरशिप को देना चाहता हूं, जिनके दम पर, जिनके मोटिवेशन में इतना दम था, जिनके नजरिए में इतना दम था, जिनकी सेल्फ इमेज में इतना दम था, जिनकी जिनकी कहीं ना कहीं कमिटमेंट और संकल्प इतना दम था कि उनके साथ रह के वो सारी चीजें जाने अनजाने में वो सब मेरे अंदर भी कॉपी हो गई। और बोलते हैं हमेशा मेरे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कि जोड़ी बना आगे बिजनेस करो। हमारे बिजनेस में वैसे तो आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो एक और एक, एक प्लस एक दो होते हैं, लेकिन हमारी मेंटरशिप सिखाती है कि वन प्लस वन दो नहीं होते हैं, वन प्लस वन इलेवन होता है। तो कहीं ना कहीं 10 गुना ज्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है जब आप मेंटरशिप के साथ जोड़ी बना के काम करते हो, तो 10 गुना ज्यादा आपके रिजल्ट बढ़ जाते हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है, आपकी समझ बढ़ जाती है, आपका एटीट्यूड बढ़ जाता है, आपका कमिटमेंट बढ़ जाता है, आपके अचीवमेंट बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं अभी महावीर जी ने कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया इमेज उन्होंने भेजी पावर ऑफ मेंटरशिप। ये पिक्चर सब कुछ दर्शा रही है। कहीं ना कहीं लोग, कुछ लोग डाउनलाइन ओरिएंटेड बन जाते हैं और कुछ लोग अपलाइन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब मेंटरशिप ओरिएंटेड होते हैं। मैं हमेशा से जानता हूं कि डाउनलाइन जो है बहुत अच्छी बात है, ताकत बनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंट आपको अपने, अगर कहते हैं कि एक अच्छा अपलाइन मिल जाए तो वन ग्रेट मेंटर का जो पल रहा है, आप अगर यूनिटी में रहते हो, उनके साथ रहते हो। कई बार महागुरु जी ने मुझे भी सिखाया, महागुरु जसवीर महागुरु जी ने हमेशा सिखाया, कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटरों ने हमेशा सिखाया कि हमेशा मेंटरशिप में रहो, हमेशा मेंटरशिप की यूनिटी में रहो, हमेशा मेंटर्स की बात पर फोकस करो। और कहीं ना कहीं ये करने की वजह से आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो सो मेनी बंच ऑफ फ्रूट्स के तौर पे हमको आज क्या क्या मिला है, आज हमको टॉप रिकॉग्निशन है आज विकास जी के पास। आज विकास जी के पास पिछले 11 सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब से कैपिंग पे आए हैं कंटिन्यू कैपिंग है विकास जी की। आज लग्जरी कार चलाते हैं विकास जी, आज लग्जरी होम में रहते हैं, एक नहीं हमारे पास आज कई घर हैं, आज ड्रीम टीम है मेरे पास। अगर आज कोई डेफिनेशन दे तो मेरे को पूरा भरोसा है, मैं अगली टीम, अगले जन्म में अगर कोई मेरे को तोहफे में टीम देना चाहूंगा तो मैं अपनी ऐसी टीम मांगूंगा जैसी आज मेरे पास है, ड्रीम टीम। फॉरेन ट्रिप आज कहीं ना कहीं आज मेंटरशिप की वजह से, कहीं ना कहीं मेंटरशिप की यूनिटी में रहने की वजह से आज हमने कई सारे फॉरेन ट्रिप किए, पासपोर्ट भी बना मेरा इस बिजनेस में आने के बाद भी। आज ग्रेट लीडरशिप सीखा मैंने अपनी मेंटरशिप से, मोर अचीवर्स जो है आज टीम में है कहीं ना कहीं उन्हीं के आशीर्वाद से। आज कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की बात करें तो आज जब वो लेते गए तो मेरे से भी पूछते गए प्रॉपर्टी लेनी है टाइगर। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो मेंटरशिप है वो कहीं ना कहीं आपके सिर्फ प्रोफेशनल काम में ही वो इंटरेस्ट नहीं लेती है, वो आपके पर्सनल कामों में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी उनको इंटरेस्ट होता है, अगर आप भागीदारी उनको करने दें तो। कहीं ना कहीं मोर रेस्पेक्ट आज उनके पास थी, कहीं ना कहीं आज वो मेरे को भी मिल रही है। कहीं ना कहीं बैलेंसिंग टीम बनाना मैंने उन्हीं से सीखा है। कहीं ना कहीं गुड हैबिट, अच्छी आदतें मैंने और भी लोग देखे हैं दूसरी टीमों में, कोई दारू का सेवन कर रहा है, कोई नॉनवेज का सेवन कर रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, कोई अपलाइन डाउनलाइन की बुराइयां कर रहा है, लेकिन गुड हैबिट मैंने अपने ग्रेट मेंटरों से सीखी है।
अगर मैं 15 मिनट उनके साथ लंच करता हूं तो मैं उनसे एक ट्रिलियन डॉलर हैबिट सीखता हूं। ये मेरी शुरू से आदत है, मैं उनसे कहीं ना कहीं एक ट्रिलियन डॉलर हैबिट तो सीख ही लेता हूं। वेजिटेरियन रहना, आज शायद कहीं दूसरी टीम में चले जाते तो संगत का असर तो पड़ता है, तो थैंक गॉड वेजिटेरियन कहीं ना कहीं आज महागुरु जी के माध्यम से वो है, हमारे मेंटर हैं, तो हम भी हैं, वैल्यू क्रिएटर हैं वो, तो हमें भी वैल्यू ऐड करना आ गया और हमारे जीवन में भी वैल्यू कहीं ना कहीं क्रिएट हुई बहुत सारी। सिक्योरिटी, आज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, गुड एटीट्यूड, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आज अंडर मेंटर से मिली मेरे को। अगर मैं तो यही कहना चाहूंगा, किसी का भी सपना है ये सब लेने का तो अंडर मेंटर से मिल सकता है। प्लान दिखाने से कुछ टीम बन सकती है आपकी, मीटिंग करने से आप दो चार लोगों की तालियां कर सकते हो, लेकिन अगर असली आपको वेल्थ चाहिए तो वो अंडर मेंटर से ही मिलती है। गुड हेल्थ, आज हमारे तीनों जो मेंटर्स हैं, जो भी हमारे मेंटर्स हैं, पूरे हेल्दी हैं, पूरे एकदम दिमाग से, शरीर से, फिजिकली, मेंटली बहुत हेल्दी हैं वो, और मैं देखता हूं हमेशा वो इंटरेस्टेड हैं अपनी दोनों चीजों को बिल्ड करने में, और उन्हीं से मैंने सीखा है कि अपनी हेल्थ भी आपको अच्छी रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं थ्री पावर्स के बारे में मैंने सीखा कि इस बिजनेस में एक समय के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको फाउंडेशन खड़ा करना है। तो पावर ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने सीखा, पावर ऑफ सबमिशन के बारे में सीखा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में मैंने सीखा कि हमेशा आप लाइन की यूनिटी में रहिए, आप अपने अंदर, मैंने आस्था की और श्रद्धा की पहले ही बात की है, किसी को देखे ना देखे, किसी को दिखाने के लिए आपको अच्छा नहीं बोलना है, लेकिन खुद का भविष्य बिल्ड करने के लिए आपको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और समर्पण की भावना से आपको काम करना है। विकास हमेशा ये सोचता है कि इस दुनिया में विकास से बड़ा हर कोई, जो आज गली का कुत्ता भी घूम रहा है वो भी इतनी ताकत रखता है, मैं उसको भी कहीं ना कहीं अपने से बड़ा मानता हूं। और क्यों? क्योंकि मैं उससे भी सीखता हूं कहीं ना कहीं, तो जो सिखाने वाला है, जिससे आप लेते हो वो क्रिएटर होता है। जो आपको पावर्स के बारे में, अगर आप मेंटरशिप में नहीं हो तो थ्री पावर्स तो ना तो आपकी टीम में डुप्लीकेट हो पाएंगी, ना आप कभी अंडर इनकी गाइडलाइन में आ पाओगे। एंड थैंक यू वेरी मच, मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने इनको फॉलो किया। यूज माइंड पावर, एक समय के बाद हमें दिशा में जाने का मौका मिला, महागुरु जी गिरेवाल, महागुरु जी की पहली दिशा थी मेरे जीवन की जिसने मुझे इस बिजनेस की जड़ों तक पहुंचाया, जिसने मुझे बताया कि अगर आदमी अपने ऊपर भरोसा कर ले तो जिस तरीके की पृथ्वी पे वो रहता है, इसी तरीके की एक पृथ्वी का और वो क्रिएशन कर सकता है, इतनी ताकत सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। उन्होंने मुझे बताया कि कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपका 90% काम करता है, लेकिन उन्होंने अंडरलाइन ये भी करके बताई कि सबकॉन्शियस माइंड वो ही मतलब यूज कर सकता है जिसका करेक्टर अच्छा होगा, जिसका नजरिया अच्छा होगा, जिसकी आत्म छवि अच्छी होगी, वो ही इन, क्योंकि आपको एक समय के बाद 90% अगर आप देवी एनर्जी का यूज नहीं करोगे तो आप लेजेंड शायद बनने से चूक जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्री पावर्स है, और जो एक समय के बाद जब आप थोड़े सीनियर हो जाते हो, जब आप टोपाज बन जाते हो, एमरल्ड बन जाते हो, रूबी बन जाते हो, डायमंड बन जाते हो, इससे ऊपर बनते हो, तो कहीं ना कहीं ये मैंने अपने जीवन में भापा है कि माइंड प्रोग्रामिंग इज बी मस्ट, आपको माइंड प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। और हमेशा मेरे मेंटरों ने दबाव, प्रेशर कहीं ना कहीं इस चीज पे हमेशा दिया है कि अगर कोई बंदा नेगेटिव है तो इसलिए नहीं कि वो नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक नेगेटिविटी भरी हुई है। तो हमारे गुरु ने हमेशा सिखाया कि हमेशा अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करो, और वो मैंने हमेशा की। मैं फ्लाइट में चलता हूं, मैं कहीं अकेला बैठा हूं, मैं कहीं बात नहीं करता हूं, मैं आज घर में हूं पिछले लॉकडाउन की वजह से, लेकिन मैं अपनी ऑफिस में ही रहता हूं। मेरी वाइफ भी मुझे बोलती है कि तुम घर पे आकर भी इतने बिजी रहते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि बिजी हूं आपका भविष्य बनाने के लिए, बिजी हूं, बच्चे जो है दोनों वो लंदन में पढ़ेंगे, कोई कनाडा में पढ़ेगा, बिजी इसलिए हूं कि आज जो वेल्थ बनी है इसको कई गुना ज्यादा और ज्यादा कन्वर्ट करना है मिलियंस मिलियंस में। तो कहीं ना कहीं माइंड प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है, और माइंड प्रोग्रामिंग दो चीजों से होती है,
संगत से, प्लस आप जो सुनते हो उससे। और मेरी संगत भी बहुत अच्छी करने का मुझे भगवान ने मौका दिया, और कहीं ना कहीं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने मुझे अच्छी डीवीडी अच्छी किताब पढ़ने का भी मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैंने सीखा, महागुरु जी माधव महागुरु जी की एलडीपी में मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे को सिखाया कि जो बोगे वो ही होगेगा और वो ही काटना पड़ेगा, कुछ और नहीं। ये आप सोचोगे नहीं नहीं मैं कुछ और काटूंगा, नहीं वो ही काटना पड़ेगा और वो ही खाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, आप भाग नहीं सकते हो। मरने से पहले जो बोया है उसको काटना भी पड़ेगा, उसको खाना भी पड़ेगा, एक जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन 11 सालों में मेरी मेंटरशिप ने हमेशा सिखाया, हाथ पकड़ के मेरे को मोटिवेट किया कि अच्छे विचारों को बुना है, अच्छे कर्मों को बुना है, कहीं ना कहीं अच्छे कर्म अच्छे विचार वो आगे चल के यही तुम्हें खाने के लिए मिलेंगे, यही तुम्हें काटने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही अवेयर रहिए अपने विचारों के प्रति, बहुत ही अवेयर रहिए अपने हर एक्शन के प्रति, और मैं हमेशा से इन चीजों के प्रति अवेयर रहा, एंड थैंक यू गॉड कि हमें इतनी ग्रेट मेंटरशिप मिली। अपने मेंटर के साथ साथ मिलकर अपने आने वाले जीवन के लिए एक अच्छा फसल जो है वो आप फसल को बोएं। क्या मैंने हमेशा से बोया, मैंने उन पर भरोसा किया, चाहे मुझे भरोसा हो ना हो, लेकिन उन्होंने बोल दिया ये काम तुम कर सकते हो तो डन है, उन्होंने बोल दिया 500 डीडी भेज सकते हो तो भेज सकते हो, भरोसा कर लिया। मैंने ऐसा नहीं बोला आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो, अच्छा हे भगवान, ऐसा गंदा सोच थैंक गॉड कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरी अपलाइन अपने मतलब के लिए मोटिवेट कर रही है। मैंने उनकी हर बात पे भरोसा, ये कहीं ना कहीं हमने मेंटरशिप से सीखा, मैंने भरोसा किया तो मेरी टीम मेरे पे भी भरोसा करती है, उनको हमेशा मैंने बड़ा बनाकर रखा, कभी जाने अनजाने में हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि वो हमेशा मेरे बड़े हैं, मेरे सम्माननीय हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग आज उनका रेडी है, तो कहीं ना कहीं हमेशा उनको मैंने बड़ा बनाकर रखा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे होते हुए साला कोई उनको छोटा दिखाने की कोशिश करे तो ये होने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है, मेरा कमिटमेंट है, उनका सम्मान करें और करवाएं, ये मैंने सीखा, उनका सम्मान भी किया और मैंने अपनी टीम को भी बोला कि आपको भी सम्मान करना है। उनके लिए हर रोज प्रार्थना करता हूं मैं, आज भी जब भी मैं पूजा करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे मेंटर्स के जीवन में सुख समृद्धि सफलता कई गुना ज्यादा बढ़े, क्यों, मैं जानता हूं कि वो हमारी जड़ में है, अगर वो सुख समृद्धि से संपन्न होंगे तो मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि का जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं होगी। उनकी ताकत मैंने हमेशा अपलायंस से सीखा कि उनकी ताकत बनिए, मेंटरशिप की ताकत बनिए, अच्छे बीज बोइए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। कभी कभी मैं अपने मेंटर्स को भी देखता हूं कि वो हमेशा ये देखते हैं कि विकास अब समझदार हो गया है, अब इसको हर बात बताना जरूरी नहीं, तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, उन्होंने सिखाया है कि विकास जी आपके अंदर इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और महागुरु जसवीर सर ने काफी बार मेरे को बताया कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, महागुरु जी माधव सर ने भी काफी बार मुझे बताया कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, महागुरु जी बेजापा महागुरु जी ने भी बताया कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी ही चाहिए कि आप बिना बोले समझ जाए, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आपसे अब हर कोई उम्मीदें करने लगा है, तो बच्चे जैसी हरकत नहीं कर सकते आप। तो उनकी भी भावनाएं क्या कहती है, उनकी भावनाएं कि आप टॉप पे रहें, आप हमेशा विजेता बने, आप अच्छे काम करें, अपना करेक्टर बिल्ड करें, अपनी टीम में जबरदस्त मेहनत करें और अपनी टीम की ताकत बने, टीम को आगे बढ़ाए और जो जिम्मेदारियां दी हैं उन जिम्मेदारियों का अच्छे से सर्वाइव करें, उनके सामने दिखावा ना करें। कभी कभी जब आप अपलाइनों की सेवा भाव से उनके साथ रहते हो तो सेवा भाव से रहना है, मैंने ये सीखा, दिखावा ना करें। कई लोग होते हैं वो मेंटरशिप के सामने एकदम ऐसे बन जाते हैं, लगता है कि ये तो बिल्कुल एकदम कोमल है, मनमोहिनी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अरे ये तो कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन पीछे ही वो ही एकदम रूप रख लेता है। तो कहीं ना कहीं अपने अपलायन के सामने दिखावा ना करें, उनके सामने दिखावा करके आप थोड़ी देर के लिए उनको खुश रख सकते हो, लेकिन जिंदगी भर की खुशी आपको तब मिलेगी जब आप पीछे और आगे समान रहें, नेचुरल रहें। उनसे बात करते वक्त अपने शब्दों पर लगाम लगाएं, जब भी आप उनको फोन करते हो तो हमेशा मैंने सीखा है कि कोई ऐसा शब्द तो नहीं बोल रहा हूं मैं
जो कहीं ना कहीं क्योंकि वो भी इंसान है, उनके अंदर भी दिल है, उनका भी दिमाग है, भगवान तो है नहीं वो भी, तो कहीं ना कहीं उनको हर्ट ना हो जाए। उनसे बात करते वक्त ये मैंने सीखा और अच्छी चीजों को बोआ मैंने, उनको ज्यादा से ज्यादा सुने और हाँ या जी शब्द को अधिक बार प्रयोग करें, उन पर अधिकार दिखाने की बजाय उनसे निवेदन करें। कई लोग अपने अधिकार समझते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अधिकार करने की बजाय आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो मतलब वो आपकी बात को और अच्छे से समझेंगे। गलती हो जाने पर अगर आपको लगता है कि गलती हो गई तो उनसे बिना शर्त माफी मांगे और भरोसा दिलाएं कि हम इसे आगे भविष्य में ठीक कर लेंगे। उनकी खुशियों का ख्याल रखें। अब आप बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं या भविष्य में हो जाएंगे, तो वो भी हमारे माँ बाप हैं, तो उनको किन चीजों से खुशी मिलती है उसका ख्याल रखें। ये हमने अपनी मेंटरशिप से सीखा। उनकी खूबियों के बारे में बात करें। कई लीडर कहीं ना कहीं गलती से वो उनकी कमियों के बारे में बात करते रहते हैं और फिर उनकी डाउनलाइन उनकी कमियों के बारे में बात करती है और एक बहुत निगेटिव माहौल पैदा हो जाता है आसपास उन लीडरों के। लेकिन मैंने हमेशा अपने अपलायनों से सीखा है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है और टेलीपैथी, ये दोनों चीजें आपकी काम करती हैं, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो। इसलिए उनकी खूबियों के बारे में बात करें जिससे कि उनको अच्छी एनर्जी पहुंचे, उनके बारे में अच्छा सोचें और अपनी टीम में भी बताएं, क्योंकि वो आपकी जड़ है, क्योंकि वो मेरी जड़ है। उनकी कामयाबी को अपनी टीम में ढोल बजाकर बताएं। कई लोग अपने अपलायन की कामयाबी को ऐसा लगता है कहीं मैं बता दूंगा तो पता नहीं कहीं ना कहीं कुर्सी ना छिन जाए मेरी, कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने हमेशा अपने अपलायनों से सीखा कि एक बढ़िया उनकी जो कामयाबी है ढोल बजाकर उनको प्रमोट करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं अपनी कोलाइन की कामयाबी को ढोल बजाएं, बढ़िया तरीके से अपनी कोलाइन की कामयाबी को भी ढोल बजाकर बताएं कि देखो भैया उस लीडर ने ऐसा कर दिया है, अब कौन ऐसा माई गलाल है जो करने के लिए तैयार। तो फायदे मिलते हैं इन चीजों से, अच्छी चीजें बोलिए। और उनके साथ साथ जो उनका परिवार है, अगर कभी मौका मिलता है तो उनका भी सम्मान करें। कहीं ना कहीं जो बोओगे वो ही काटोगे। थैंक गॉड, थैंक माय मेंटरशिप, थैंक सिस्टम कि मैंने अच्छी चीजें बोना सीखा और जिसका आज मुझे भरपूर मात्रा में रिटर्न जो है, जो ब्याज जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर अंडरलाइन कहना चाहता हूँ, महागुरु जी जसवीर महागुरु जी एक बात बोलते हैं कि पोस्टपेड यूज करो पहले, प्रिपेड यूज करो, कि पहले ऐसा ना मजे लो, मजे जितना लेते हो उससे ज्यादा बोना सीखना है, जितना काटते हो उससे ज्यादा बोइए। 500 रुपए खर्च करते हो तो 50,000 कमाने के बारे में सोचो, पहले 50,000 कमाओ तब आप 500 रुपए खर्च कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पहले बोना है फिर काटने के बारे में सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं थैंक गॉड ये हमने अपनी मेंटरशिप से भी सीखा। और आज इस ग्रेट टीम, एथिकल टीम, दुनिया की नंबर वन टीम, रॉयल ड्रीमर टीम के माध्यम से आज बाबू जी ने मौका दिया कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। When you are grateful, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपका डर जो है वो खत्म हो जाता है और आपकी जिंदगी में समृद्धि जो है वो प्रकट होना स्टार्ट हो जाती है। ये किसी सफल एक लेजेंड ने बोला हुआ है कि अगर आप डर रहे हो किसी चीज का भय है तो कहीं ना कहीं अभी तक आप अंडर मेंटरशिप में नहीं हो। मैं कभी नहीं डरता, मैं ना स्टेज पर धावने से डरता हूं और ना डिसीजन लेने से डरता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं जानता हूं कि मैं अंडर मेंटरशिप में हूं, मेरे पास एक ऐसी मेंटरशिप है अगर मेरे से गलती हो भी गई तो वो पक्का कहीं ना कहीं मेरे को सिक्योर है मेरी जीवन, वो कहीं ना कहीं मेरे को बचा लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो डर है, जब जब आप ग्रेटफुल होते हो, आभारी होते हो अपनी मेंटरशिप के प्रति, बल्कि दुनिया के हर तत्व के प्रति, तो आपका डर वो बिल्कुल एकदम झट से खत्म हो जाता है और आपके जीवन में समृद्धि का एक ना कि समृद्धि जो है वो आपके जीवन में प्रकट होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटफुल रहिए, हमेशा प्यार करिए, हमेशा आनंद में रहिए। ये जीवन आपको एक ही बार मिला है, अरे सबके बारे में अच्छा सोचो, सबको दुआएं दो, सबको आशीर्वाद दो, पता नहीं कब लव लेटर आ जाएगा, कब ऊपर निकल लेंगे। इसलिए कोई मन में ऐसी हीन भावना ना अपने प्रति रखनी है, ना लोगों के प्रति रखनी है, ना अपनी टीम के प्रति रखनी है, किसी के भी प्रति नहीं रखनी है। ये हमने अपनी मेंटरशिप से सीखा है। सबके बारे में भाव अच्छे रखिए, अनकंडीशनल प्यार करिए। वही बोला एक गाना है कि अगर भाई फूल नहीं बो सकते हो आप तो कांटे बोने का आपको अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटरशिप ने सीखा कि प्यार करिए अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी टीम को, अपने अपलायनों को। मैं तो अपने ग्रेट मेंटर्स को बहुत प्यार करता हूं,
उनको भले भी कहीं ना कहीं आपके प्यार को कई लोग चापलूसी कह सकते हैं, कई लोग आपके प्यार को कई लोग दिखावा कह सकते हैं, कई लोग आपके ओवर स्मार्ट कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो आपको चापलूस भी कह सकते हैं। लेकिन अरे भगवान जानता है आप क्या कर रहे हो, आपकी अंतरात्मा जानती है आप क्या कर रहे हो, इस ब्रह्मांड की एनर्जी जानती है कि आप क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अच्छा प्यार करना सीखिए, और जब प्यार करते हैं तो ये ब्रह्मांड आपके लिए सारे दरवाजे खोल देता है। जब आप अंडर मेंटरशिप में काम करते हो तो ब्रह्मांड भी आपको मेंटरशिप देता है। जॉय, पूरी तरीके से मजे लो, आनंद में रहो, टारगेट जीतो और बढ़िया तरीके से लंदन जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपनी फैमिली को मजे दिलाओ, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाओ, जबरदस्त मेहनत करो, जबरदस्त पैसे बनाओ। आज थैंक यू वेरी मच, आज ये सारी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ अपने ग्रेट महान मेंटर शिप का, महान महागुरु जी, माधव महागुरु जी का, जो आज लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं। आज मेरा एक एक कण उनका आभारी है, और मैं महागुरु जी से इस बात के लिए बिल्कुल 100% मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ऐसा ही अपना आशीर्वाद इस बच्चे पे बना के रखें। मैं पैदा ही हुआ हूं इस बिजनेस में, पूरी इस बिजनेस का नाम रोशन करने के लिए, आपका नाम रोशन करने के लिए, अपनी टीम का नाम रोशन करने के लिए। तो थैंक यू महागुरु जी, आपने हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपने मुझे दिल से सुना, और ब्रह्मांड की हर शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी गिरवाल महागुरु जी, महागुरु जी माधव महागुरु जी, महागुरु जी विजयपाल महागुरु जी, और महागुरु जी जसवीर महागुरु जी, और हमारे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और आपने मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू महागुरु जी, शुक्रिया महागुरु जी, आपकी हमेशा आन बान शान बन के रहे हैं, और जब तक सांस है अगले जन्मों 7 जन्मों तक आपकी आन बान शान बन के, ये संकल्प है, ये विकास का संकल्प है। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, शुक्रिया महागुरु जी। Direct dil se hai ye direct dil se